तो दोस्तों, क्या आपका भी फ़ोन हैक हो चुका है? अगर आप लोग इसे पता लगाना चाहते हो कि अगर आपका फ़ोन हैक हुआ है या नहीं, तो एक बेस्ट तरीका लेकर आ चुका हूं, जो कि 3 तरीका है। अगर आपका फ़ोन किसी ने भी हैक किया हो वो तुरंत पता चल जाएगा, और अगर आपका फ़ोन हैक है तो उससे कैसे बाहर निकला है इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अगर आपका फ़ोन हैक हो चुका है तो आप लोग घबराइए मत, इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको यहाँ से आपका फ़ोन रिकवर हो जाएगा, आपका फ़ोन हैकिंग से हट जाएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास कोई भी मॉडल हो सकता है, मेरे पास अभी रेडमी का मॉडल है, आपके पास कोई भी मॉडल हो, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, कोई भी मॉडल हो आप सब में इनेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपना सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। सो जैसे ही आप लोग सेटिंग में आ जाओगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा गूगल का। तो गूगल के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। तो मेरे फ़ोन में सबसे नीचे मिल जाता है गूगल का ऑप्शन, आपके फ़ोन में जहाँ भी मिले आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको एक गूगल का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, इस गूगल वाले ऑप्शन पर फटाफट से क्लिक करना है। सो जैसे आप लोग गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत सारी आर्टिकल मिलती है। तो आपको हैकिंग पता करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है, देख सकते हो आप लोग के सामने, डिवाइस एंड शेयरिंग। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, डिवाइस एंड शेयरिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सो जैसे ही क्लिक करेंगे, हैकिंग पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे ऊपर में हमें एक ऑप्शन मिलता है कास्ट ऑप्शन। हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर फटाफट से क्लिक कर देंगे। सो जैसे हम लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाती है आर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा गेस्ट मोड, यदि आपका गेस्ट मोड ऑन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि आपका गेस्ट मोड ऑन है दोस्तों तो आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, इस गेस्ट मोड को यहाँ से अगर मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं ऑन करूँगा यहाँ से एक लिंक आ जाएगी, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू आपका लिंक लेकर के आपका फ़ोन हैक किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को आपको, पहला सेटिंग यह हो गया, इस ऑप्शन को आपको बंद रखना है। सो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको सेकंड सेटिंग। तो यहाँ से आपको बैक आना दोस्तों। सो जैसे ही आप लोग बैक आते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलती है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है डिवाइस का। यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रही है आपको डिवाइस का। आपको क्या करना होगा, इस डिवाइस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। सो जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ पर यदि किसी ने आपका फ़ोन हैक कर रखा, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो मेरे फ़ोन अभी हैक नहीं है, स्कैन फॉर नोबडी डिवाइस यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, इसे ऑफ़ करना है और ऑन करना है। इससे क्या होगा, एक दो बार ऑफ ऑन कीजिएगा, अगर आपका फ़ोन ऑन हैक होगा दोस्तों तो यहाँ पर उस डिवाइस का लोकेशन दिखाएगा जिसके जरिए आपका फ़ोन हैक किया गया है। तो आपका उसका मॉडल नंबर आपको दिखेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ़ोन नहीं दिखेगा, उसका मॉडल नंबर दिखेगा दोस्तों। तो यदि आपका फ़ोन हैक होगा तो यहाँ पर स्कैन करती हुई उसकी डिवाइस यहाँ पर आ जाएगी कि फ़ोन हैक है या नहीं। तो देख सकते हो मेरे में भी नहीं है। तो चलिए दूसरा सेटिंग हो गया, अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ। सो जैसे ही मैं बैक आऊँगा, तीसरी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं तीसरी सेकंड बताने से पहले आपसे प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इतना तो कर सकते हो। अब वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को फटाफट से अभी लाइक कर दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेरिंग शेयर, इस पर आपको फटाफट से क्लिक करना। सो जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पर से इस ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड और वेरीफाई। यदि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है ऑप्शन दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है एड और वेरीफाई, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को हमेशा ऑफ यहाँ पर रखना है, और एड टू वेरीफाई नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसे ऑफ ही रहने देना। फिर नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा का, तो आपको क्या करना है, इस डाटा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो जैसे आप लोग क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर विदाउट इंटरनेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो करने के बाद आपका अगर जो फ़ोन हैक होगा तो यहाँ पर से आपका अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो देख सकते हो मेरे में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मेरा फ़ोन हैक नहीं है। यदि यहाँ से आपका विदाउट इंटरनेट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर अगर जो जैसे ही यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाता है, तो दोस्तों आपका फ़ोन हैक है। तो मेरे में नहीं आ रहा, मैं डाटा वाला पर करके यहाँ से कैंसिल कर दूँगा। सो यहाँ से बैक आ जाऊँगा। तो आपको एक यहाँ पर लास्ट सेटिंग मिल जाती है जिसका नाम है क्रोम बुक। तो
आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। सो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, यदि आपका कोई किसी ने डिवाइस हैक कर रखा है तो यहाँ से आपका उसका मॉडल नंबर दिख जाएगा, जिसके जरिए आप लोग पता कर सकते हो कि मेरा किसी ने हैक कर रखा है या नहीं। फाइनली इस डिवाइस को हैक नहीं किया जा सकता, इसमें मतलब देखा जाता है। अगर आप अपना लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हो, पीसी को कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बट घर वाले क्या करते हैं, यदि आपको मतलब घर वाले अगर जान चाहते हैं कि मेरे बच्चा ये नहीं चला, ये नहीं चला, तो आपको यहाँ पर से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका लिंक ले करके देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं फ़ोन में। तो दोस्तों लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको बच जाती है, जिसके जरिए आप लोग पता लगा सकते हो इजीली कि आपका आपका फ़ोन हैक है, तो तुरंत ही पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैरेंटल कंट्रोल, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना। सो जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ से हमारे सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आपके फ़ोन में यहाँ पर गेट स्टार्टेड के जगह ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों, तो आपका फ़ोन हैक हो चुका है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से बैक आना होगा। सो बैक जैसे ही आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना होगा, इस फ़ोन को एक बार रिसेट मार देना होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस फ़ोन को फटाफट से आपको रिसेट मार देना है। सो जैसे आप लोग इस फ़ोन को रिसेट मारोगे तो आपका फ़ोन हैक से हट जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के हेल्प के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में दोस्तों, फिर कोई वीडियो में।